नर्सिंग का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। देखिए पहले भी मैंने कई लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसी में है नर्सिंग के सारे वीडियो। बेटा ट्वेल्थ के बाद नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इंटेंस की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सको, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से रिवीजन करा रहा हूँ कि हाँ कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें आप, ठीक है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा आज, ठीक है। बाकी डिटेल नहीं कह सकता, रिस्पिरेशन सिंपल सीधी बात करेंगे। पहली बात क्या होता है, कह सकते हो बेटा ये ऑक्सीडेशन, मैं जितने बुलेट पॉइंट लिखूँ वही निकलना है बेटा। क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पेपर में आएगा रिस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है इसमें बेटा, आपके पास ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज मान लो होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आप निगल लेते हैं पूरी तरीके से क्या बन जाता है? CO2 वाटर, 673 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ओके, तो बेटा होता क्या, बैलेंस करने का मन कर रहा होगा आपका, तो बैलेंस कर लेंगे तो इस तरह बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये बात दिमाग में याद रखिए। ये किसका है बेटा रेस्पिरेशन? हायर ऑर्गेनिज्म का है। किसका है ये? हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा। कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन कैसे, ठीक है, ये भी दिमाग में रखें बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ एक चीज़ होती, पार्ट होता है बेटा, वहाँ पर होता है क्रिस्टी। क्या बेटा? क्रिस्टी, क्रिस्टिस, क्रिस्टी बेटा। कैसे? साबुन के जैसे, साबुन था माचिस तेल की जैसी संरचना होती है अपने। अरे यार ये क्या बना दिया, मेरा डस्ट आ गया। चलो देखो ऐसा होता है, ठीक, ऐसी संरचनाएँ कुछ होती हैं, देख लीजिएगा, मतलब प्रॉपर नहीं कह सकता, ऐसी संरचनाएँ कुछ होती हैं क्रिस्टी की, ठीक है। और रिस्पिरेशन के विषय में क्या जानना चाहिए? रिस्पिरेशन के विषय में जानना चाहिए हमें कि ये एरोबिक होता है, एरोबिक होता है, और क्या होता है? एनएरोबिक होता है, ठीक है। एरोबिक की बात करें बेटा तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसके बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पहली बात, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे बेटा। दूसरी बात, एनारोबिक क्या होता है? सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है बेटा। सिंपलर ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, वन सेल टू सेल, ठीक है, उनमें सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद बात करें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंस होना चाहिए बेटा। उसके बाद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा। इसमें होता क्या है कि लगभग 21 किलो कैलोरी के पास एनर्जी निकलती है, ये चेकआउट कर लीजिएगा बेटा, एक बार क्लियर हो जाएगा। और रिस्पिरेशन बेटा एक प्रोसेस नाम होगा बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। क्या मसला होता है ग्लाइकोलिसिस का? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है, जो लिख रहा हूँ बुलेट पॉइंट में, यही नोट करना, थ्योरी तो आप पूरे साल पढ़ते ही आते हो, ये बुलेट पॉइंट ही पेपर में पूछ दिए जाएंगे, मैं 100% श्योर हूँ कि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अब क्या होता है ग्लूकोज, क्या बेटा? ग्लूकोज, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरूविक एसिड। किसमें बेटा? पाइरूविक। याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात दिमाग में आपको बिठा के रख लेनी है। उसके बाद रिस्पिरेशन से और कौन सा पॉइंट याद कर ले सकते हैं बेटा? एक बेटा रिस्पिरेटरी कोशेंट होता है बेटा, रिस्पिरेटरी कोशेंट RQ होते हैं बेटा, RQ। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बेटा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर की और कितनी ऑक्सीजन आपने ली है, इसका जो रेशियो होता है बेटा वो क्या होता है? रिस्पिरेटरी कोशेंट होता है। क्या होता है? रिस्पिरेटरी कोशेंट होता है। एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन बता दिया मैंने, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है ये बता दिया मैंने आपको, ये कन्वर्जन होता है ये बता दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन प्रोसेस ये ध्यान, एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, क्या होती है? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो होती है वो ऑक्सीजन का इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सहेल होता है। तो कुछ आता है कुछ जाता है, इसी आने जाने का प्रक्रम ब्रीदिंग होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन बॉडी में घुसी है, अब ऑक्सीजन बॉडी में घुसी है तो उसका और कुछ लॉजिक बता दूं। देखो मेरा डस्टर कहाँ गया, मिल गया, थोड़ा सा और बताता हूँ अभी, ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब देखिए होता क्या है कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हो, बस ब्रीदिंग, तो मतलब बस यही होता है। अब आगे कौन सा समझिए बेटा, आपने देखा होगा आपकी बॉडी में क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन होता है। बस 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। क्या होता है बेटा? HB।
HB, इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं बेटा। हीमोग्लोबिन की वजह से बेटा ब्लड रेड होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है क्या बन जाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। डाउट नहीं रहना चाहिए, रटना है, प्रैक्टिस करा रहे झटाझट। अब जब इस CO2 को बाइंड लेता है बेटा उसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन के फॉर्म में बांध लेता है बेटा इसको। उसके बाद हम बात करें और क्या बात करें, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बॉडी में कम हो जाती है तो लोगों में क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हॉफन जैसी चढ़ जाती है। ठीक है, मतलब क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो कुछ सेल को ऐसे सूखी सूखी ऐसे चलती हैं, वो थका, जैसे आप दौड़ते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत धकड़ 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 बहुत सारा काम करती है, तो बहुत सारा ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें। तो अगर ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो हमें सांस लेने में क्या होती, दिक्कत होती। वही कहते हैं हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है तो भाई साहब अगर यही कम हो जाएगा बॉडी में, इसलिए कहते हैं आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए। आयरन का मतलब सरिया मत खाइए, पालक खाइए, ठीक है, लौकी खाइए, तो रही खाइए लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैमोज खाइए अब अच्छा लगेगा। तो ये बेटा हीमोग्लोबिन वाला केस हो गया। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो मतलब है ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये था आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड मेन मेन पॉइंट। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।